ज्वेल एसीएल या काइरोस XIROS टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में कई सारे व्यूअर्स ने हमसे प्रश्न पूछा है। तो आज यह वीडियो मैं आपको ज्वेल एसीएल या काइरोस के बारे में डिटेल बताने वाला हूं। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। यह एक नई टेक्नोलॉजी है, नई तकनीक है जो एसीएल सर्जरी में हमारी मदद करती है। काइरोस यानी कि ज्वेल एसीएल एक ऐसी सर्जरी है जिसमें पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट नाम के मटेरियल से वूवन ग्राफ्ट बन के आता है, जो हम एसीएल पीसीएल लिगामेंट सर्जरीज में प्रयोग में ले सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी में गैस प्लाज्मा ट्रीटमेंट के द्वारा इस ग्राफ्ट को हाइड्रोफिलिक बनाया जाता है, जिससे इसको जो ये पानी में चिपकता नहीं है और जोड़ों में आराम से साइनोवियल फ्लूइड के साथ रह सकता है। यह जो है ग्राफ्ट जो होता है, यह हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक स्टैंड अलोन काइरोस और एक काइरोस विद ग्राफ्ट। इसमें इसका अभिप्राय यह है कि इस ग्राफ्ट को, जो कि एक सिंथेटिक ग्राफ्ट है, हम डायरेक्टली भी डाल सकते हैं और आप इसको ग्रेसिलिस सेमीटेनिनोसिस या किसी और ग्राफ्ट के साथ ऑगमेंट करके भी डाल सकते हैं। अब इस ग्राफ्ट को प्रयोग क्यों किया जाता है और इसके क्या फायदे, देखिए, एक तो यह बहुत एक छोटा ग्राफ्ट होता है तो इसमें छोटी छोटी टनल्स बनती हैं, तो आगे चल के अगर कभी रिवीजन सर्जरी करनी पड़ती है तो उसमें तकलीफ नहीं होती है। यह 4.5 mm की टनल के द्वारा यह सर्जरी की जा सकती है। इसमें शरीर के द्वारा जब हम टोटल स्पेयरिंग करेंगे, ग्राफ्ट स्पेयरिंग अप्रोच करेंगे, तो ग्राफ्ट लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। और अगर हमने ग्राफ्ट के साथ किया, इसमें पार्शियल स्पेयरिंग अप्रोच होता है, मतलब हमको जितना ग्राफ्ट नॉर्मल पेशेंट्स में लेते हैं उसकी तुलना में आधे ग्राफ्ट से ही काम चल जाता है। अब इसकी स्ट्रेंथ जो है वो काफी अच्छी होती है, करीबन 1296 न्यूटन के आसपास होती है, जो आपकी नॉर्मल एसीएल की जो ग्राफ्ट स्ट्रेंथ होती है उसके बराबर होती है। इसकी लॉन्ग लाइफ अच्छी होती है, लंबे समय तक ये रहता है। इसमें रिएक्शन होने का चांस, रिएक्शन हो सकता है पर काफी कम चांसेस हैं कि इसमें रिएक्शन आए। इसमें आप जल्दी पेशेंट को मोबिलाइज कर सकते हैं, जल्दी रिहैबिलिटेशन दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो ग्राफ्ट को हील होने का टाइम है वो नहीं देना है। जो नॉर्मल हम ग्राफ्ट डालते हैं उसमें ग्राफ्ट को हील होने का समय देना होता है, इसमें वो समय देने की आवश्यकता नहीं है। तो मोबिलाइज जो जल्दी कर सकते हैं, घुटना मोड़ना हम जल्दी शुरू कर सकते हैं, पेशेंट जल्दी चलना वगैरह शुरू कर सकता है, तो वह भी इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। साथ में ये ध्यान रखना है कि जब भी इसको हम फिक्स करें तो बायोडिग्रेडेबल स्क्रू, बायोकंपोजिट स्क्रू से फिक्स नहीं करना है। जब भी हम जायरोस का ग्राफ्ट करते हैं तो इसमें या तो टाइटेनियम स्क्रूज का प्रयोग करना चाहिए या पीक स्क्रू का प्रयोग करना चाहिए, ये आवश्यक है, क्योंकि ये एक वूवन लिगामेंट, एक तरह का टेक्सटाइल वूवन लिगामेंट होता है। जिस तरह से टेक्सटाइल बुन के तैयार होती है, उसी तरह से पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेट मटेरियल को बुन के यह एक वूवन टिश्यू तैयार करते हैं जो आपके एसीएल को रिजेंबल करता है। और ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर जो है वो टिश्यू ग्रोथ होता है और ये बाद में आगे चल के एसीएल लिगामेंट की जगह ले सकता है। इस जो लिगामेंट मैन्युफैक्चर होके आता है, इसकी साइज करीबन 9 मिलीमीटर का डायमीटर होता है, जो कोलैप्स होके 4.5 मिलीमीटर तक जा सकता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो 710 मिलीमीटर यानी कि करीबन 71 सेंटीमीटर की लंबी लेंथ होती है। तो इसको कई सारी चीजों में हम प्रयोग में ले सकते हैं, जैसे कि हम एसीएल सर्जरी, पीसीएल सर्जरी। परंतु अब इसमें स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि कब इसका प्रयोग करना है, क्योंकि नॉर्मली एसीएल सर्जरी हम ग्राफ्ट के माध्यम से करते हैं। तो इस तकनीक को यूज करने के अच्छे इंडिकेशन क्या है? एक तो स्पेसिफिकली अगर म्यूकॉइड आपका एसीएल है और म्यूकॉइड एसीएल की हम सर्जरी कर रहे हैं तो उस केसेस में इसको यूज कर सकते हैं। मल्टी लिगामेंट सर्जरीज हम कर रहे हैं जहां हमको बहुत सारे ग्राफ्ट की आवश्यकता है, तब यहां पर इनका प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम रिवीजन सिनेरियोस में जा रहे हैं, बार बार सर्जरी हो चुकी है पेशेंट की और उसके बाद उसके ग्राफ्ट नहीं बचे हैं, वहां पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। पार्शियल टेयर्स है या फिर थोड़ा टेयर है और आपको ऑगमेंट करना है, या अवल्जन है, पीसीएल एसीएल अवल्जन है और आपको एसीएल को ऑगमेंट करना है, तो वहां पर भी आप इस तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिलेक्टेड सिनेरियोस में ज्वेल एसीएल या काइरोस एक बहुत ही अच्छी नई तकनीक है जो कि एक सिंथेटिक ग्राफ्ट की तरह काम करती है और इसके अच्छे लंबे रिजल्ट हैं अगर आपको इसको सही तरीके से और सही केस में चयन करके प्रयोग में लिया जाए। अगर आपको ज्वेल एसीएल या काइरोस के बारे में और कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें फोन करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।